नमस्कार, योग अभिमूल्यन कार्यक्रम के प्रथम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगारंभ आरंभ करें। किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और एक साथ प्रार्थना आरंभ करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता अब दोनों हाथों को धीरे से आंखों के ऊपर रखें, धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोल दें। आप चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। ध्यान दें, गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इस अभ्यास को सावधानी से करें। अपने पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। तो शुरू करेंगे प्रथम अभ्यास, आगे और पीछे गर्दन को झुकाने का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं, गर्दन के पीछे वाले भाग पर खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। फिर से श्वास को छोड़ते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन के आगे वाले भाग पर खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। पुनः दोहराएंगे, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं, श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए वापस, श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास भरते हुए वापस। अब धीरे से गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाने के अभ्यास के लिए तैयार हूँ। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। दाहिने कान को दाहिने कंधे के समीप लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं। बाएं कान को बाएं कंधे के नज़दीक लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दोहराएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और श्वास भरते हुए
धीरे से वापस सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब गर्दन को दाएं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाएं, जिससे ठुड्डी दाएं कान की सीध में आ जाए। श्वास भरते हुए वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए बीच में वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर और श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। अब गर्दन को घुमाने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं धीरे धीरे और श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे, पुनः श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं, हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए, आँखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। आँखों को खोलें। अगला अभ्यास स्कंद संचालन की क्रिया। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वह इस अभ्यास को सावधानी से करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएं, धीरे धीरे। ध्यान दें हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हों और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को धीरे से वापस लाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे और हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। आँखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। स्कंद चक्र के अभ्यास के लिए तैयार हों। अब धीरे से श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आएं। अपनी उंगलियों को कंधे पर रखें। अपनी दोनों कोहनियों को आगे की ओर मिलाएं। अब श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर उठाएं और कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को वापस ले आएं। यह अभ्यास दो बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे।
अब विपरीत दिशा में भी यह अभ्यास 3 बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे कंधे को पूरा पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को बगल में सीधा करें। कंधे की सीध में भुजाओं को सीधा करें। हाथों को पलटें। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को धीरे से वापस लाएं। आंखों को बंद करें। इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। ध्यान दें, जिनकी कमर में दर्द हो वैसे अभ्यास को सावधानी से करें। पहला अभ्यास, कमर को आगे और पीछे की ओर झुकाना। धीरे से दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के सामने से ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए बीच में वापस आएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। आप दोनों हाथों को पैर के पंजे के बीच में रखने का प्रयास करें। इस प्रकार श्वास भरते हुए वापस आएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। भुजाओं को कंधे की सीध में ले आएं। हाथों को पलटें। श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। आंखों को खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया का अभ्यास। अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। दाईं भुजा को सीधा रखें, बाईं कोहनी मुड़ी हुई और हाथ के अंगूठे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए धीरे से बीच में वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए जाएं, भरते हुए वापस, छोड़ते हुए जाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरें वापस, श्वास छोड़ते हुए जाएं, भरते हुए वापस और छोड़ते हुए जाएं और श्वास भरते हुए वापस। अब श्वास छोड़ते हुए मध्यम भाग में वापस आएं और हाथों को वापस लाएं। पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। आंखों को धीरे से खोलें। अगला अभ्यास घुटने के चालन क्रिया का अभ्यास।
ध्यान दें जिन्हें घुटनों में दर्द हो, वे इस आसन का अभ्यास ना करें या सावधानी से करें। एक बार पुनः अपने पैरों में कंधे के स्तर का अंतर करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आएं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। अंतिम अवस्था में आपकी जांघें जमीन के समानांतर होनी चाहिए। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः इस अभ्यास को दोहराएं, बैठने की स्थिति में आएं। श्वास भरते हुए पुनः पहले की स्थिति में वापस, श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः दोहराएं, श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, आँखों को बंद करें और विश्राम करें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला ताड़ासन। ध्यान दें जिनके घुटनों में दर्द हो या संतुलन ना बना पाने की स्थिति हो तो इस अभ्यास में एड़ियां ना उठाएं। अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। अपने शरीर को व्यवस्थित करें। अब एड़ियों को धीरे से उठाते हुए अपने पैर के पंजों पर संतुलन बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। एड़ियों को धीरे से वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। आंखों को खोलें। अब हम इस अभ्यास को पुनः करेंगे। दाईं ओर घूम जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आएं। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। अब श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। शरीर को व्यवस्थित करें। एड़ियों को उठाते हुए अपने पंजों पर संतुलन बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। धीरे से एड़ियों को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। अपने पीठ के बल लेट जाएं। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें।
गहरा लंबा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। गहरा लंबा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। पुनः गहरा लंबा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शिथिल हो जाएं। आपके दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी दोनों टांगें धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपने घुटनों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके घुटने धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी जंघाओं को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के ऊपरी भागों के प्रति सजग हों। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। कलाई वाला भाग, आपकी भुजाएं, कोहनी वाला भाग धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपके कंधे वाला भाग, उसे ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अपनी कमर की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी कमर की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी पेट की मांसपेशियों के प्रति सजग हों, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी छाती की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी छाती की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब धीरे से अपनी गर्दन की मांसपेशियों के प्रति सजग हों, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही है।
अब अपनी चेतना को चेहरे की मांसपेशियों की ओर ले जाएं। आपकी चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। ठुड्डी वाला भाग, होंठ, दोनों कान, नासारंध्र, दोनों आंखें, भूमध्य भाग, माथा, सर के ऊपर वाला भाग और पीछे वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रत्येक अंग में सजगता का भाव रखें और शिथिलता का अनुभव करें, और शिथिलता का अनुभव करें। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आप बाएं या दाएं ओर करवट लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें और फिर धीरे से हाथों की सहायता से उठकर बैठें। कमर गर्दन को सीधा करें और किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन यह संकल्प धारण करें, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ, और इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। आप शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखें।
आप धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्कार। योग अभिमूलन कार्यक्रम के प्रथम दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्र का आरंभ हम ओम के उच्चारण के साथ करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। एक बार पुनः आप सभी का आज के व्याख्यान सत्र में स्वागत। योग अभिमूलन कार्यक्रम 4 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें प्रथम दिवस हम योग परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और क्रियात्मक सत्र में प्रार्थना, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और ताड़ासन शीतलीकरण अभ्यास करेंगे, जैसे कि आप सभी ने अभी किया। तो शुरू करेंगे आज का व्याख्यान सत्र। आज के व्याख्यान सत्र का विषय है योग परिचय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार और कर्म, संयम और पूर्णता, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्भाव भी लाता है और इस प्रकार रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन शैली से संबंधित कई विकारों के प्रबंधन के लिए भी सहायक है। योग अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक है। लोग सोचते हैं कि योग केवल आसन है या केवल प्राणायाम है। योग अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें आध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। योग एक दर्शन भी है। योग एक सूक्ष्म विज्ञान है। योगाभ्यास मुख्य रूप से मनोकेंद्रित है। योग स्वस्थ रहने की कला भी है और योग सद्भाव को जीवन में लाता है। ये योग की मुख्य विशेषताएं हैं। अगर हम योग शब्द की बात करें तो योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है। इसका अर्थ है जुड़ना, यूनियन, एकजुट होना। योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये जो स्थूल शरीर है उससे सूक्ष्म जगत की यात्रा। अगर हम योग की परिभाषा की बात करें तो योग की कई परिभाषाएं हैं। जैसे कि भगवद गीता के अनुसार योग समत्वम है। समत्वम योग उच्चते, सिद्ध असिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्चते, यानी सिद्धि हो, असिद्धि हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, किसी भी परिस्थिति में आप हों, अगर आप समभाव बना के रखें तो यही योग है। और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा। इसका मतलब है अगर आप मन की चंचलता को, मन की गतिविधियों को स्थिर कर सकते हैं तो आप योग को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी चेतनता में सब कुछ एक हो जाता है। योग में मन को स्थिर करने के लिए कई उपाय दिए गए हैं, जैसे कि अभ्यास वैराग्य, ईश्वर परिधान, क्रिया योग, अष्टांग योग। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जिन्हें हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, मगर मन की इस चंचलता से परे जाना सबसे बुनियादी चीज़ है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह इंसान को उसकी खोज, उसके अंदर और बाहर के अंतर हर चीज़ से मुक्त कर देता है। सिर्फ अपने मन को स्थिर करके हम एक परम संभावना बन सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का मकसद क्या होता है जीवन में? खुशी और आनंद की प्राप्ति, खुशी हासिल करना, शांति हासिल करना। हम अपने जीवन में जो भी खुशी चाहते हैं, जो भी शांति चाहते हैं, वह क्षणिक होती है। कुछ समय में वह दुख में बदल जाती है।
क्योंकि हमारी खुशी, हमारी शांति हमारे बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर हमारी बाहर की परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं तो हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं। अगर हमारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं अपने सुख के लिए। योग जो है वो आंतरिक सुख पर जोर देता है। योग एक ऐसी आंतरिक स्थिति पैदा कर देता है कि बाहर की परिस्थितियाँ जैसे भी हों, आप मन से विचलित नहीं होते, आप में कोई हलचल नहीं होती। यही चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब योग जैसा कि हम समझते हैं, सभी प्रकार के कष्टों, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के दुखों, और उनका मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण है अज्ञानता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सुख किस में है, दुख किस में है, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है। तो अगर हम ये जान लें और अज्ञानता को दूर कर लें तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, और यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। मुक्ति या निर्वाण भी जिसे कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं। योग एक ऐसा आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमें मोक्ष की ओर लेके जा रहा है। यह मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष विज्ञान है। अगर हम योग के इतिहास की बात करें तो योग बहुत पुराना है, पौराणिक काल से चला आ रहा है। योग का वर्णन पूर्व वैदिक काल में, वेदों और उपनिषदों में, बुद्धिज्म में, बौद्ध योग उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जैनिज्म में, जैन योग में इसका वर्णन है, स्मृति और पुराणों में, महाकाव्यों में, रामायण महाभारत में भी योग का वर्णन है, और भगवद्गीता में, भगवद्गीता पूर्ण रूप से योग का ही ग्रंथ है, षड दर्शन में सांख्य योग और योग का वर्णन है, पतंजलि का योग सूत्र। वेदांत संप्रदाय की बात करें तो शंकर, माधव, रामानुज और तंत्र योग, नाथ संप्रदाय, फिर हठ योग परंपराओं में योग का वर्णन है, और मध्यकालीन समय में भक्ति योग, सूफिज्म, आधुनिक समय में हठ योग, समकालीन समय में जो योग है, इस प्रकार योग का इतिहास और उसका विकास हुआ है। अगर हम योग की परंपराओं की बात करें तो मुख्य रूप से हम इसे चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। ये चार योग की शाखाएं हैं। ये सुनने में तो अलग अलग हैं, इनका नाम भी अलग है, पर इनका लक्ष्य एक ही है। तो ईश्वर को या परमात्मा से एक होने के चार मार्ग हैं, या फिर हम कहें कि मोक्ष की प्राप्ति के चार मार्ग हैं। आप चाहें तो ईश्वर की भक्ति करके भी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। भक्ति के कई प्रकार जो हैं वो हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ईश्वर का नाम सुनना, स्मरण करना, अर्चना करना, वंदना करना, साख्य भाव लाना, उनके चरणों की धूल बन के रहना और अपना सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर देना। ज्ञान योग, ज्ञान योग जो है वो स्वयं को जानने का प्रयास है। ज्ञान योग में वर्णन आता है कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता का, कि अपने में कैसे विवेक को धारण किया जाए, कैसे वैराग्य की भावना लाई जाए, कैसे अपनी इंद्रियों पे, मन पे उनमें संयम रखा जाए, और कैसे उसमें सबसे मुख्य है कि आपके अंदर तीव्र इच्छा हो मोक्ष प्राप्ति की। तो ये जो चार अनिवार्य शर्तें हैं ये ज्ञान योग की है। ज्ञान योग साधना मुख्यतः ज्ञान की प्राप्ति पर निर्भर है। इसमें ज्ञान को प्राप्त करके कि मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और कैसे मुझे विवेक लाना है, कैसे मुझे वैराग्य अपने में लाना है, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। अब बात करते हैं कर्मयोग की। अगर हम कर्मयोग की बात करें तो कर्मयोग का सबसे मुख्य ग्रंथ भगवद्गीता है, श्रीमद् भगवद्गीता है। भगवद्गीता में कर्मयोग की बात की गई है। हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? हमें निष्काम कर्म करने चाहिए। ऐसा कर्म जिसमें कि हम केवल अपना कर्म करें पर फल की इच्छा ना करें। अधिकतर लोग कर्म करते हैं, फल की इच्छा पहले होती है कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे ये लाभ होगा, इस काम को करने से मुझे ये लाभ होगा। हमें कर्म ऐसे करना है जैसे कि हम उसे ईश्वर पर ही अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि हम ईश्वर पर पुष्प अर्पित करते हैं, वैसे हमें कर्मों को भी ईश्वर पर ही अर्पित कर देना है। इस प्रकार भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर हम निष्काम कर्म कर सकें तो। अगला जो मार्ग है वह ध्यान योग का। ध्यान के द्वारा भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो योग की मुख्य चार परंपराएं वेदांत परंपरा के अंतर्गत आती हैं। और सांख्य योग परंपरा की जहां हम बात करें, जिस पर पातंजल योग भी निर्भर करता है, सांख्य योग जो है वह दर्शन भी है। इसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में वर्णन है,
पुरुष जो है वो चेतनता है, प्रकृति जड़ है। ये पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही संसार की रचना हुई है। तो जब तक पुरुष जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक वह इस संसार में उलझा हुआ है। जब पुरुष अपने स्वयं स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। इसी पर हमारा पातंजल योग निर्भर है। इसके अलावा योग की तांत्रिक परंपराएं, कुंडलिनी योग जिसमें चक्रों के जागृत होने की अवधारणा है, जिसमें शिव और शक्ति मिलन की बात कही गई है, हठ योग है, हठ योगिक ग्रंथ है जिसमें कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के मिलन की बात है। ये कोई हठ या जबरदस्ती योग करना नहीं है। हठ योग का अर्थ है सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का मिलन, ह और ठ का। इसके अलावा योग की अवैदिक परंपराएं जिसमें कि जैन योग और बौद्ध योग के बारे में भी वर्णन है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। जैन योग में सत्कार्यवाद और अनेकांतवाद के जो कॉन्सेप्ट हैं उनका वर्णन है, जबकि बौद्धिज्म में जैसे कि हमारे पतंजलि योग में अष्टांग योग की बात कही गई है, बुद्धिज्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। हालांकि पूर्व वैदिक काल में योग का अभ्यास किया जा रहा था, लेकिन महान महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के माध्यम से जो तत्कालीन मौजूदा योगाभ्यास थे उनके अर्थ और उससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित किया। पातंजल योग सूत्र ने योग के दर्शन, योग के सिद्धांतों, प्रथाओं को भी निर्धारित किया जिसका अनुसरण आज तक किया जा रहा है। तो पातंजल अष्टांग योग के अनुसार योग के 8 अंग हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें यम में अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम में शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, आसन यानी कि स्थिर सुखम आसनम जिसमें आप स्थिर हैं, सुखी हैं, आसन है, प्रतन शिथिल्य अनंत समापत्ति, प्रतन की शिथिलता और अनंत की ओर ध्यान रखकर ही आप आसन कर सकते हैं जो कि हमारे द्वंद्वों को दूर करता है सभी प्रकार के, प्राणायाम, इसके बाद तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेदा प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेदी प्राणायाम है, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना ही प्रत्याहार है, धारणा अपने चित्त को किसी स्थान पर केंद्रित करना ही धारणा है, किसी स्थान पर लगाना ही धारणा है और यह हमें ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान हमें अल्टीमेटली समाधि की ओर जो हमारा परम लक्ष्य है उसकी ओर लेके जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हैं 8 अंग बताए गए हैं, अगर आप इनको फॉलो करें, इनका पालन करें तो आप समाधि की अवस्था तक पहुँच सकते हैं। हालांकि योग का मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है, पर योग जो है उसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है और इसको आप स्वास्थ्य और कल्याण की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। और सभी प्रकार की योग साधनाओं के लिए पहले कुछ पूर्वापेक्षाएँ हैं, यानी कि आपको यम नियम का पालन करना चाहिए, युक्ताहार, मिताहार, युक्त कर्म करने चाहिए, तभी आप आसन, प्राणायाम और ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब योग का अभ्यास कैसे करें? योग में सबसे प्रथम शोधन क्रिया का वर्णन है, स्पेशली हठ योग के ग्रंथ में इनका मुख्यतः जो है उल्लेख मिलता है, जिससे कि शोधन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फिर आहार पे ध्यान दिया जाता है। आपने शरीर की आंतरिक सफाई की, अब आप जो शरीर में लेंगे वो क्या है, वो स्वच्छ होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए और वो आपके शरीर को पोषित करे, ऐसा आहार होना चाहिए। फिर आसन यानी शारीरिक संशोधन करना, शरीर को ट्रांसफॉर्म करना, फिर हम आसन करते हैं, फिर हम श्वास संशोधन करते हैं प्राणायाम के द्वारा, उसके अलावा विश्राम भी किया जाता है ताकि आप फिर से अपने आप को रिजुविनेट कर सके, एकाग्रता जो है उसका पालन किया जाता है ताकि हम ध्यान की ओर बढ़ सके, और व्यवहार को संशोधन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब योग कार्य कैसे करता है? जो हमारे योग की क्रियाएं हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जिन्हें कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है, उनको संतुलित करता है, मन और शरीर को समन्वित करता है, मन को शांत बनाता है, शरीर को शिथिल रिलैक्स करता है और आनंदमय करता है, जिससे कि हम स्वास्थ्य और सद्भाव को प्राप्त कर सकते हैं। योग तनाव का प्रबंधन करता है, योग द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, यह मेटाबॉलिज्म चपापचय को भी संतुलित करता है, आपको नींद अच्छी आती है, गुणवत्ता भरी क्वालिटी स्लीप आती है, आपकी नींद बार बार टूटती नहीं है, मन और शरीर में एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन आ जाता है और आपका जो सोच है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, सकारात्मक स्वास्थ्य और कल्याण की प्राप्ति इसके द्वारा आपको होती है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग का महत्व क्या है, योग का इतिहास और उसका विकास किस प्रकार हुआ, योग की कितनी शाखाएं हैं, योग को किस प्रकार करना चाहिए। तो आज का इतना ही,
धन्यवाद।